रसिकों, छांदों के उपनिषद की घोषणा है कि जब आरंभ में कुछ नहीं था तो केवल ब्रह्म ही था। सूत्रधार, सूत्रधार। देवता, अभी आपके प्रवेश का समय नहीं हुआ, आप पहले पधार गए। इस समय मैं देवता नहीं अभिनेता हूं, और अब आ ही गया हूं तो पूछ कर जाऊंगा। पूछो, मैं क्या हूं यह तो समझ में आ गया, पर मैं कहां हूं? मैं मंदिर में हूं या मंदिर मुझ में है? देवता, आप अपने भवन में पहुंचिए, आगे की कथा में मैं आपको बताता हूं कि आप कहां हैं। इस मंच के ब्रह्म तुम हो, इसलिए तुम्हारी बात मानकर जा रहा हूं। रसिकों, ईश्वर यदि सृष्टि का संचालक है तो सूर्य, चंद्र, अग्नि आदि देवता विभागों के अध्यक्ष हैं। वे इस ब्रह्मांड में व्याप्त व्यवस्था के लिए जिम्मेदार हैं। इन्हें हम अधिष्ठान देवता भी कहते हैं, क्योंकि देखने, सुनने, ग्रहण करने आदि की क्रियाएं इन्हीं से संचालित होती हैं। जैसे कि दृष्टि का अधिष्ठान देवता सूर्य है, क्योंकि प्रकाश के बिना देख पाना संभव नहीं। ठीक उसी प्रकार श्रवण का अधिष्ठान देवता दिग् देवता है, क्योंकि आकाश के बिना ध्वनि की तरंगों का प्रवाहित होना संभव नहीं। उसी प्रकार प्रत्येक इंद्रिय का अधिष्ठान देवता उन्हें उनके कार्य की शक्ति और ऊर्जा प्रदान करता है।